हाय, आई एम डॉक्टर मुकेश गुप्ता। आज हम एक कुछ अलग बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने हमें पूछा कि ये जो पूरे भारत में जो डॉक्टरों की स्ट्राइक जो सो कॉल्ड थी, वो क्यों हुई, ये क्या था, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, नॉर्मली हम केवल हेल्थ रिलेटेड इशू से बात करते हैं, पर ये एक किस्सा ऐसा हुआ कि सब जन जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाए, जिससे हमारे लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये स्ट्राइक नहीं थी, ये था एक प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब मायने ये होता है कि बिना लोगों को तकलीफ पहुँचाए कैसे इन बातों का ख्याल रखा जाए कि पेशेंट का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी हमारी बात लोगों तक पहुँचाई जाए। अब ये एक पूरा मुद्दा ये था कि सारे के सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी, सारे डॉक्टर्स, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल सर्जन, वेटरनरी सर्जन, फार्मासिस्ट, सारे एक साथ आए। कई समाज के लोग, कई क्लब्स, रोटेरियंस, लायंस क्लब एट्सेट्रा, ये सारे के सारे साथ में आके एक ही आवाज़ में एक ही बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। और वो बात ये थी कि जब यदि कोई डॉक्टर या कोई हेल्थ केयर वर्कर हॉस्पिटल में हो और किसी का इलाज कर रहा है, और अगर पेशेंट या उनके रिलेटिव्स किसी कारण से दुखी हैं या परेशान हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो कृपया अपने इमोशंस को इस हद तक आप जाने मत दें ऊंचा, जिससे कि आप अपना आपा खोल बैठें और गुस्से में आके वॉयलेंट या फिजिकली एग्रेसिव हो जाएं। वेल, एंगर मैनेजमेंट में हमने पूरी एक सीरीज बनाई है, प्लीज़ वो देखिए। एंगर मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि यदि एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जब काम कर रहा है और उस वक्त उसके दिमाग में ये भय है कि अगर मैंने बराबर इलाज नहीं किया तो पेशेंट या उसके रिलेटिव्स के साथ में मेरे फिजिकल मारा मारी हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये जो सोच है वो डॉक्टर के काम करने की क्षमता को भ्रष्ट कर देता है। ऊपर वाले की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, आई हैव नेवर हैड सच अ प्रॉब्लम। बट जो प्रॉब्लम ये कॉमन है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के उन न्यू छोटे यंग डॉक्टर्स को, जब उनके पास इतना काम होता है, इतना वर्क होता है, और वो इस कारण से कई बार सही तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते कि कैसे वो अपने पेशेंट्स के रिलेटिव को समझा सके कि परिस्थिति क्या है। और कई बार वो पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब उसकी वजह से जो मनमुटाव होता है, कभी कभी वो एग्रेशन का रूप ले लेता है। अगर ये बीमारी जहाँ पर हमें मन लायक हमारे अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स में हम फिजिकली वॉयलेंट हो जाएं, अगर ये चीज़ को हमने अपने आप में नहीं रोका, जिसे हम कहते हैं वर्क प्लेस वॉयलेंस, ये केवल हॉस्पिटल्स में नहीं, हर जगह हो रहा है, पुलिस स्टेशन में तक हो सकता है, हर गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा हो सकता है। तो ये जो अप्रोच है समाज का, सोसाइटी का, जब तक इसे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपने समाज को ऊपर आने नहीं दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है कि हेल्थ केयर सेटअप में जब भी अगर वॉयलेंस होता है तो उसके तीन जनों पे बहुत दुष्परिणाम होते हैं। पहला, वो डॉक्टर जिसके साथ ये हुआ, उसकी सोचने की क्षमता, उसके काम करने की क्षमता मार खा जाती है। दूसरा, उसके साथ जो काम करने वाले बाकी जो कर्मचारी हैं, बाकी जो लोग हैं, उनकी भी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। और लास्टली, बाकी पेशेंट्स और रिलेटिव्स जिन्हें कितनी परेशानी होती है अगर उन्हें उस वक्त वो डॉक्टर और वो हेल्थ केयर वर्कर्स हेल्प करना बंद कर दे तो। सो कभी कभी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाएँ, उसके बदले में यदि अगर हम एग्रेशन को अपना लेते हैं अपना रास्ता, तो ये हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन द मेडिकल कॉलेजेस जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनके साथ में किसी ने रूड बिहेवियर किया है या उनके साथ ने वॉयलेंट बिहेवियर किया है। अगर 4 में से 2 या 3 जन ये कह रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है, मतलब ये हमारे समाज के लिए बहुत गलत हो गया। दूसरी बड़ी बात है कि कई डॉक्टर्स हैं जो अब अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए मेडिकल में भेजने के पहले कतरा रहे हैं। मैं नहीं कतरा रहा, मेरा बच्चा जाएगा मेडिकल में, लेकिन फिर भी जो स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि ये फील्ड के अंदर जहाँ पर कभी भी गारंटी नहीं मिल सकती है कि आउटकम क्या होगा, क्योंकि सब चीज़ तो डॉक्टरों के हाथ में नहीं होती है, डॉक्टरों के ऊपर भी कोई ताकत है, और कभी कभी शरीर इतना ज़्यादा जवाब दे जाता था कि कोई भी उसका इलाज कुछ नहीं कर सके। ऐसी परिस्थिति में यदि हम अपना आपा खो देते हैं और अपना कंट्रोल खो देते हैं तो सारा मैटर बिगड़ जाता है। देखिए, हर जगह पे देयर इज़ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स,
देयर इज ब्लैक शीप अमंगस्ट एवरीवन। यदि आपके पास में किसी के प्रति अगर दुख है या आपको लग रहा है कि इलाज में अगर 19-20 है तो आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स है जहां ये चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, कंप्लेन किया जा सकता है, ये चीज़ के बारे में आप अपना सलूशन निकाल सकते हैं। लेकिन लॉ अपने हाथ में लेके गलत काम करने से न केवल आप अपने आप और अपने फ्यूचर का नुकसान करते हैं पर वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से अगर यदि आप देख रहे हैं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर अगर कोई विचलित पेशेंट या रिलेटिव है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो यदि आप उसको थोड़ी सी सांत्वना दे, बोले कि ठीक है जो हो रहा है, आपको लग रहा है गलत हो रहा है, तो इसका हम निकालेंगे, लेकिन गुस्सा और वायलेंस इज नॉट द आंसर, क्योंकि वो सारे सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारा समाज इस समय ये चीज़ में चेंजेस लेके आ जाता है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सब अपने आप से इस समाज को और हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।